मैं जानना चाहता हूं इस प्रदेश के सन्यासी योगी मुख्यमंत्री से कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धारा, अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप, एक कोई धारा लगी हो तो बताएं। अभी तक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में बहुत तख्ती की बात करते हैं वो, आज हम उनकी तख्ती दिखाना चाहते हैं कि उनकी तख्ती पर कितनी धाराएं लगी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी तख्ती जरूर आए इनके सामने। जो मुख्यमंत्री तख्ती की बात करते हैं उनकी तख्ती देखिए, जो ये कहते हैं कि तख्ती, तो ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं, देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर। और ये देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी धाराएं खुद ही वापस ली होंगी। और ये धाराएं किस बात की लगी हैं सोचिए, किस बात की धाराएं इन्हें। ये तो एक मुख्यमंत्री जिनकी तख्तियां थी, जो आप देख लीजिए कलर्ड फोटोग्राफ है, कलर्ड फोटोग्राफ है, थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिले भी होंगे शायद आप उनसे। और ये तो आप इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर देखेंगे तो यही धाराएं दिखी देंगे, कोई हमने नहीं बनाई हैं, ये हैं। वो आप पढ़ लेना, इतने पढ़े लिखे आप हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं आप अच्छा, आईपीसी की धाराओं को इंटरप्रेट सीख कर सकते हैं आप। ये दूसरे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, ये तो केवल दो दिखा रहा हूं मैं उनकी तख्तियां, ये दो तख्तियां हैं, दो की अभी। और वो हमसे कह रहे हैं कि हम हिंसा फैलाना चाहते हैं। अभी चुनाव के दिन कम हैं, चुनाव में जनता इंतजार कर रही है इन तमाम लोगों के जिन्होंने शपथें ली हुई हैं, दो 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 शपथ लेने वालों का इंतजार जनता कर रही है। जनता केवल तारीख का इंतजार कर रही है, वो मन बना चुकी है उसे क्या करना है। एक ऐसी सरकार जो केवल छात्रों से डर गई हो, एक सरकार जो केवल छात्रों से डर रही है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नए छात्रों से केवल, जो सरकार छात्रों से डर जाए उस सरकार के पास कुछ बचा नहीं है। उनके भविष्य से खिलवाड़ की इन्होंने, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ की है इन्होंने, इसलिए नहीं चाहते हैं कि कोई जाए उनके बीच में अपनी बात रखे जाकर के। उनके भविष्य से खिलवाड़ की है इन्होंने, उनके सपनों को मारा है इन्होंने, उन्हें मजबूर कर दिया है कि बेरोजगार बने रहो, कोई नौकरी का इंतजाम नहीं किया, इसलिए घबरा रही हैं लोग। और इसीलिए घबरा करके अधिकारी क्या हैं, अधिकारी तो नौकरी वाले लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग हैं उन जो कहेंगे वो अधिकारी करते हैं। याद रहे सरकार को और उन लोगों को जिनका व्यवहार लोकतंत्र खत्म करने का रहा है, जनता लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार बैठी हुई है। और फिर अधिकारी के पास कोई कागज नहीं, केवल इसीलिए कि अधिकारी है वो सरकार का, कि आप नहीं जा सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो कागज दिखाइए जो मुझे रोक रहा है, क्योंकि आप नहीं रोक सकते, सरकार कागज पे चलती है, कागज रोकेगा। उस अधिकारी के पास कोई कागज नहीं था कि किस लिए रोक रहा है। सरकार ने फिर बना करके कागज भेजा, तब कागज मेरे पास आया। और फिर उत्तर प्रदेश के सरकार के डायरेक्टर जो हैं विभाग के, वो हवाई जहाज नहीं रोक सकते। हवाई जहाज की तो परमिशन दिल्ली सरकार देती है, लगता यह है कि दिल्ली सरकार भी इसी में शामिल हो गई है। आप कुछ बोलना चाहें, किसी के बीच में जाना चाहें नहीं बोल सकते, हवाई जहाज से जाना चाहें नहीं जा सकते, सड़क से जाना चाहें नहीं जा सकते। इसलिए घबराई हुई सरकार है, केवल नौजवानों की ताकत से घबराई हुई है। और अभी तो नौजवान इंतजार कर रहा है कि कब उसे मौका मिलेगा इस सरकार को सबक सिखाने का। और केवल छात्रों के यहां नहीं जा रहा था मैं,
अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र गिरी जी, उन्होंने भी अपने यहां भोजन रखा था। बताओ, हम तो साधु संतों से भी नहीं मिल सकते। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे साधु संत योगी हैं जो दूसरे साधु संत योगियों से नहीं मिलने देना चाहते हैं? कोई मिले तो उन्हीं से मिले और फिर उनसे सीखें क्या? ठोको नीति रोको नीति, उनसे क्या सीखोगे आप? क्या सीखोगे? कुछ नहीं जानते। अगर स्नान भी करने की कुछ सीखना चाहे, कोई स्नान कैसे किया जाता है कुंभ में, तो आपने देखा होगा, आपने दिखाया पूरे देश को, दुनिया को, स्नान कैसे लिया जाता है। ये मुख्यमंत्री तो ऐसे हैं जो स्नान भी नहीं ले पा रहे हैं। कुंभ में कैसे स्नान लिया जाता है? इसलिए ये तो रोको नीति ठोको नीति नहीं चलने वाली है। लोकतंत्र में जनता इंतजार कर रही है मतदान करने का। अधिकारी को यही नहीं पता था किसको रोक रहा है, बस वो रोकना चाहता है। इतना मेंटल प्रेशर उस पर भरा होगा कि वो भूल गया कि किसको रोकना चाहता है। मैंने उससे कहा कि कागज दिखाओ, किस लिए रोकना चाहते हो? वो बहुत छोटा अधिकारी है। और जहां तक इस तरह के व्यवहार की बात है, इतना पक्का सरकार कर रही है, दिल और दिमाग को कितना पक्का कर रही है सरकार। चलो, हमारे साथ तो इतना ही व्यवहार हुआ। कोई अगर गाय लेकर के जा रहा है, कारोबार कर रहा है, खरीद के लगाया है, उसको मार मार करके जान ले ली। ये सरकार के लोग हैं। जिस समय मुख्यमंत्री आवास खाली हुआ था, याद कीजिए क्या किया था इन्होंने। गंगा जल से धुलवाया था, क्योंकि मैं उसमें रहा था इसलिए। और फिर याद कीजिए, जब उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया था, तो क्या क्या था, क्या कहा था सरकार ने? ये सांप छछूंदरों का गठबंधन है। तो सोचो, हमें हम कुछ भी कर लें, एक्सप्रेस वे बना लें, तरक्की दिखा दें, खुशहाली दिखा दें, लेकिन इनके दिमाग में जो कीड़े हैं, दिमाग में जो गंदगी है, वो तो निकलेगी ना कहीं से। आखिरकार दिमाग में क्या है इनके? क्या कारण था कि मुख्यमंत्री आवास इन्होंने गंगा जल से धुलवाया? क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ, आपने हमें सांप और छजूंदर मान लिया? एक छोटा सा अधिकारी आकर के कहता है कि आप नहीं जा सकते। याद रखें, अगर ये व्यवहार ये कर रहे हैं, तो अपने साथ भी तैयार रहें कि ऐसा ही व्यवहार उनके साथ भी हो सकता है। और अभी बहुत लंबा समय है। पूरा छोड़ दिया हमारा साथ, हम अकेले हैं, यही सुनना चाहते हो? यही आरएसएस की भाषा है? ये मार्केटिंग और ब्रांडिंग का जमाना नहीं है। ये लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का माहौल आया है, आप ये सोचते हो कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग से वोट हटाया जा सकता है? कभी उनसे पूछना जाकर के अकेले में कि किस पार्टी को वोट देना चाहते हो? और कम से कम पूरा देश और जिन लोगों के बारे में आपने कहा है, वो घर बैठे सोचते होंगे कि सोचो, समाजवादी पार्टी ने 40 सीटों का त्याग कर दिया और बहुजन समाज पार्टी ने 40 सीट का त्याग कर दिया है। ये किस लिए किया है? लोकतंत्र को बचाने के लिए और कम से कम लोकतंत्र में उन्हें बराबर का हक दिलाने के लिए। जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, कम से कम योगी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए, साधु सन्यासी होकर के झूठ नहीं बोलना चाहिए उनको। अब तो केवल वोट का आंदोलन होना है बूथों पर।
क्या बोले वो? तुम कलर्ड फोटो नहीं देख पाए? ये जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारे जाने से हिंसा हो जाएगी, ये जब से कुर्सी पे बैठे हैं तब से इनके अधिकारी हिंसा कर रहे हैं। हिंसा इन्हीं ने करना सिखाया है सबको, और हिंसा करी हुई की धाराएं देख लो। मेरी धाराएं लगाई हुई नहीं है, ये एक भी मेरी धारा लगाई हुई नहीं है। ये जो धाराएं लगी हैं, ये आप देख लीजिए धाराएं क्या लगी हैं इनके ऊपर। आखिरकार हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती समझिए कि हिंसा करने वाला ही मुख्यमंत्री बन गया। और जहां तक सवाल इनके व्यवहार की है, अभी सुनने में आया है कि 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी को बैठा करके 2 घंटे तक इंतजार कराया, और इसलिए क्योंकि सरकार को कुछ हिसाब किताब करना है। ये सरकार सोशल मीडिया से डराती थी लोगों को, ट्विटर से डराती थी, क्योंकि जो ट्विटर पे टेरर, जो नए टेररिस्ट तैयार किए इन्होंने, सोशल मीडिया पे जो इनके सोशल टेररिस्ट तैयार हैं, इंटरनेट टेररिस्ट तैयार हैं, वो क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं कभी हमारा ट्वीट पढ़ना, और जो इंटरनेट टेररिस्ट हैं वो क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचो, जिस पे ये दावा करते थे, डिजिटल इंडिया बढ़ाने में का दावा करते थे, एक महिला जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, उसको 2 घंटे इंतजार किया, क्योंकि सरकार दबाव वहां भी बनाना चाहती है, शायद सोशल मीडिया पे भी कब्जा करना चाहती है, वहां भी रोको ठोको नीति चालू करना चाहती है, इसमें भी कारोबार हो। समझ लीजिए इस बात, दूसरी बात समझ लीजिए, सच्चाई हमें भी पता है कि छात्रों से कितनी घबराई हुई है सरकार छात्रों से घबराई हुई है, नौजवानों से घबराई हुई है, क्योंकि नौजवान और छात्र उनसे हिसाब किताब मांगना चाहते हैं। नहीं, बाद में समझा नहीं, वो बात समझे नहीं, जो बात ये बता रहे हैं, सरकार गलत बयान दे रही है, सच्चाई हमें भी पता है, सरकार घबराई हुई है छात्र नौजवानों से घबराई हुई है सरकार। उनका छात्र नौजवानों के संगम से उनका संगम फीका पड़ जाता। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, और कई दलों को जो सीटें दी जानी थी वो दी जा चुकी हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को भी अपने गठबंधन में रखा है, 2 सीटें कांग्रेस की हैं। मैं इसीलिए फिर तख्ती दिखा रहा हूं आपको, ये तख्ती, ये आप इतने ना समझ क्यों बन रहे हो? आप तख्ती क्यों नहीं देखते हो? आप नहीं, आप तख्ती देखिए, क्या कोई पहले ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसके इतनी धाराएं थी, या देश में कहीं ऐसा कोई मुख्यमंत्री बना है जिसमें इतनी बड़ी तख्ती में नाम लिखे हो? वो अलग थे मामले। मैं आपसे कह रहा हूं कि छात्र संघ के उदय यादव के जीतने के बाद उनके कमरे में आग लगा दी गई, उनका जो कुछ सामान था सब जला दिया गया, और जब छात्र संघ का कार्यक्रम था
उसके कार्यक्रम होने से पहले बम चलाए गए। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि जिन्होंने ये काम किया, अराजकता फैलाई, जिन्होंने हिंसा या अराजकता फैलाने के लिए बम चलाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, हमें तो रोक लिया, क्या उनको गिरफ्तार किया है कि नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन हम कभी और हमारे समाजवादी लोग ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। ऐसा व्यवहार समाजवादी लोग नहीं कर सकते। मुझे तो ये नहीं सरकार का समझ में आता है, छात्र संघ का कार्यक्रम हो जाता, जब 3 बम फटने की खबर लखनऊ में नहीं छपी तो छात्र संघ का कार्यक्रम संपन्न हो जाता तो कैसे खबर छपती? ये तो खबर छपवा रही है सरकार, खुद खबर बना रही है। हमारा कार्यक्रम हो जाता, हम छात्र नौजवानों से मिल लेते, अपनी बात कह देते, क्या होता है इसमें? मैं अपने तमाम जो कार्यकर्ता साथी और नेता साथी बैठे हैं हमारे, हम उनसे यही कहेंगे कि आने वाले समय में चुनाव की तैयारी करें और कहीं भी उनके व्यवहार से किसी को नुकसान न हो, उनके व्यवहार से, उनकी बातचीत से, उनका व्यवहार और बातचीत कम से कम ऐसी हो कि लोग प्रभावित हों और साथ समाजवादी पार्टी के चलें। मैं नहीं जानता हूं कि लोकतंत्र में किसी को अपमान करना दाव होता है, किसी का घर गंगा जल से धुलवाना कोई सम्मान की बात होती है, न दाव है न कुछ है। लोकतंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, आजादी से घबरा रही है कि लोग अपने विचार न रख दें। मैं आपका सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और तख्ती याद रखना।